गुड मॉर्निंग। आज एजुकेशन में आज की मेरी टॉपिक है प्रेरणा के कारण। जैसा कि मैं आपको इस समय चैप्टर प्रेरणा अवधान और रुचि पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो आज इसके पहले मैं आपको वीडियो में प्रेरणा का डेफिनेशन आपको बताया था, ठीक है। तो आज की मेरी वीडियो है प्रेरणा के कारण, ठीक है। तो देखिए, जो प्रेरणा होता है, प्रेरणा का मतलब कि जब आप कोई भी काम में रुचि ना लें तो आपको अगर कोई प्रेरणा देता है तो आप उस काम में रुचि लेना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो प्रेरणा के जो कारण होते हैं वह दो मुख्य रूप से दो होते हैं। देखिए, पहला आता है स्वाभाविक कारण और दूसरा है अर्जित कारण। स्वाभाविक कारण क्या होता है? स्वाभाविक कारण वह कारण होता है जो आपके स्वभाव के साथ होता है, यानी कि जैसा आपका स्वभाव होता है वैसा होता है। और अर्जित कारणों का अर्थ सीखना होता है, आपने जो सीखा है, जो ग्रहण किया है वो होता है, ठीक है। तो ये जो पहली पॉइंट है आपकी स्वाभाविक कारण, इसके अंतर्गत देखिए कौन कौन से पॉइंट आते हैं। देखिए, इसके अंतर्गत आता है जीवित रहने की इच्छा, तो स्वाभाविक है कि आपकी इच्छा है जीवित रहने की। दूसरा है सुख एवं आनंद प्राप्त करने की भावना, प्रेम भावना, आत्मरक्षा, इच्छा शक्ति, कष्ट निवारण की भावना, संवेग एवं मूल प्रवृत्तियां और चेतन भावना, ठीक है। लेकिन अब जो अर्जित कारण है, जो आप सीखते हैं यहाँ आने के बाद धरती पे, जो भी बालक है चाहे मनुष्य है, सीखते हैं, अर्जित करते हैं, वो क्या क्या है? जैसे आदत संस्कार है, रुचि अभिरुचि है, अस्थायी भाव है, सामाजिक आदत तथा स्थिति है, संबंध और वातावरण है, सांस्कृतिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक, ठीक है। तो आइए हम एक एक करके उन सबके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जो स्वाभाविक कारण है, इनके एक एक पॉइंट को हम जानते हैं। इसमें देखिए, पहले जो पॉइंट है जीवित रहने की इच्छा। जैसा कि आपको मालूम है कि हर मनुष्य को जीने की लंबी उम्र की मतलब इच्छा होती है, ठीक है। सभी लोग सोचते हैं कि हमारी उम्र लंबी हो, हम सब कुछ देख सकें, हम सब कुछ जान सकें, ठीक है। अब देखिए दूसरा पॉइंट है सुख एवं आनंद प्राप्त करने की भावना। सभी लोग जो लोग धरती पर रहते हैं, सबकी इच्छा होती है कि हम सुख को प्राप्त करें, आनंद लें, मतलब हमारा जो जीवन है आनंदमय से गुजरे, बीते, यानी कि हमें दुख का सामना न करना पड़े। देखिए अगले पॉइंट है प्रेम भावना। प्रेम भावना से तात्पर्य है कि हमें एक दूसरे से प्रेम की भावना रखना चाहिए, यानी कि सही से बात करना चाहिए, सही से व्यवहार करना चाहिए, ये सब चीज़ें। आत्मरक्षा, आत्मरक्षा का मतलब हमें ऐसा होना चाहिए कि हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकें, ठीक है। जब हम अपनी रक्षा स्वयं कर सकते हैं तो वह क्या कहलाएगा? आत्मरक्षा के नाम से जाना जाएगा। अगला इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति मतलब आपके अंदर इच्छा के अनुसार शक्ति होना चाहिए। ये अगला है कष्ट निवारण की भावना, यानी कि आपके अंदर ऐसी भावना होनी चाहिए जो हमारा कष्ट है वह क्या हो जाए, दूर हो जाए, ठीक है। देखिए अगला है सर्वे एवं मूल प्रवृत्तियां। आपके अंदर सर्वे एवं मूल प्रवृत्तियां होती हैं, मूल प्रवृत्तियां मतलब जैसे क्रोध है, भय है, डर है, ठीक है। तो ये सब से आपका ये स्वाभाविक गुण है कि ये सब चीजें आपके साथ रहेंगी। देखिए अगला है अचेतन मन, यानी कि आपका जो मन है हमेशा क्या रहता है, व्याकुल रहता है। स्वाभाविक है कि आपका मन हमेशा क्या रहता है, चिंतित रहता है, व्याकुल रहता है। अब देखिए, अब जो इसका दूसरा पॉइंट है अर्जित कारण। अर्जित कारण वह कारण होता है जिसे हम क्या कहते हैं, सीखते हैं, ठीक है, हम जानते हैं। इसमें पता है आदत और संस्कार, यानी कि जो भी मनुष्य धरती पर आता है वह आदत और संस्कार जन्म से मतलब सीखना शुरू कर लेता है, यानी कि जन्म के पूर्व ये सब नहीं, उसके स्वभाव के साथ नहीं होता है, यानी कि ये सब चीजें आदत और संस्कार से सीखना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगला पॉइंट है रुचि या अभिरुचि, यानी कि उसके अंदर मतलब किस काम में रुचि है या किस काम में रुचि नहीं है, वो चीज आपको जानना चाहिए, ठीक है। देखिए अगला है अस्थायी भाव। अस्थायी भाव का मतलब होता है कि जो आपकी भावना है वह क्या होना चाहिए, अस्थायी होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। देखिए अगला है सामाजिक आदर्श, यानी कि सामाजिक आदर्श क्या है, समाज में रहना है आपको तो समाज के हिसाब से काम करना पड़ेगा और उसके हिसाब से या स्थिति के अनुसार आपको रहना पड़ेगा। अगला है संबंध और वातावरण।
तो संबंध और वातावरण जो है वो आपके मतलब वातावरण से आप कैसा संबंध है आपका, इस बारे में बताता है। ठीक है, अगला पॉइंट है सांस्कृतिक सामाजिक एवं शैक्षिक, यानी कि जो भी मनुष्य या बालक धरती पे आता है उसका सांस्कृतिक सामाजिक एवं शैक्षिक उपलब्धियां क्या क्या है, यानी कि उसने क्या क्या चीज अर्जित किया है, इन सब के भावनाओं को अर्जित किया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आज आपने प्रेरणा के जो कारण है स्वाभाविक कारण और अर्जित कारण मुख्य पॉइंटों को आपने जाना। अब इसके आगे आप अगले वीडियो में जानेंगे। जो लोग वीडियो देखे आपको बहुत बहुत धन्यवाद।